नमस्कार दोस्तों, स्वागत है काल लक्ष्य की एक और नई वीडियो में। तो मारुति ना कुछ अलग अपने कस्टमर के लिए जो है करती रहती है। मारुति ने अभी कुछ टाइम फिर एक गाड़ी लॉन्च की है, जो आपने पहले सुना होगा ग्रैंड विटारा यहाँ पे लॉन्च की थी, सेम उसी का जो कॉम्पनी यहाँ पे लॉन्च की गई है, उसका नाम है फ्रॉन्स। अगर फ्रॉन्स की बात करें तो देखते हैं गाड़ी में क्या क्या फीचर रहने वाले हैं, क्या प्राइस रेंज रहने वाली है, क्या माइलेज देती है और कितने पैसे में जो है आपको मिलने वाली है, और उसी के साथ इसके जो कंपेरिजन है टाटा पंच से या अदर किसी सेगमेंट से, उसमें क्या क्या जो है आपको चेंज देखने को मिल पा रहा है। तो उन्हीं सभी सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर साइड प्रोफाइल की कुछ बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको जो है साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। जैसा कि फिलहाल इस सेगमेंट की गाड़ी पंच में आपको 360 डिग्री क्लाइडिंग देखने को मिलती थी, वही क्लाइडिंग आपको जो है फ्रॉन्स नेक्सो फ्रॉन्स के साथ देखने को मिल पाएगी। फिलहाल अगर गाड़ी की लेंथ विथ हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है गाड़ी की लेंथ दी गई है, क्योंकि लेंथ यहाँ पे आपको 3995 mm की लेंथ और यहीं पे आपको जो विड्थ है 1765 mm की विड्थ और जो हाइट है वो 1550 mm की जो है हाइट यहाँ पे आपको दे रखी है। फिलहाल अपने सामने खड़ा है 1.2 लीटर बेस मॉडल सिग्मा, इसका एक छोटा सा बॉकनर रिव्यू करेंगे कि गाड़ी में क्या क्या आपको फीचर जो है देखने को मिल पाएंगे। जो है भाई गाड़ी के साथ एक अच्छा खासा जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें बेस मॉडल में आपको जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे आपको जो है दोनों साइड से ब्लैक देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा और टायर साइज बेस सिग्मा मॉडल में भी आपको यहाँ पे 195/16R16 के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आपको व्हील कैप के साथ देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा सफिशियंट रखा गया है इस गाड़ी के साथ। वहीं आप देख सकते हैं जो है गाड़ी का कुछ इस तरह से साइड प्रोफाइल। अगर बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी खासी जो है आपको बैक प्रोफाइल नज़र आती है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी LED स्लीक जो यहाँ पर आपको दी गई है, काफ़ी अच्छा खासा जो है गाड़ी को रियर लुक प्रोवाइड करा देती है। पीछे से आपको 4 रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, वहीं पे आपको कनेक्टिंग लाइट का जो है ऑप्शन इसके साथ जो है भाई देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। पीछे से आप देख सकते हैं फ्रॉन्क्स की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और ये जो कनेक्टिंग लाइट है भाई कहीं ना कहीं गाड़ी के जो है रियर लुक में 4 चांद लगा देता है। पर्सनली मैं आपको बताऊँ गाड़ी का जो रियर लुक है काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है देखने को मिलेगा। डिग्गी पे यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पे क्रोम का वर्क किया गया है। अगर इसको अनलॉक करके देखें कि गाड़ी में आपको जो है कितना बूट स्पेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो है 308 लीटर का एक अच्छा खासा जो है बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। पार्सल ट्रे का ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गाड़ी का जो बेट है काफ़ी अच्छा खासा बेट इस गाड़ी के साथ आपको जो है देखने को मिल पाएगा। जैसे कि अगर ग्रॉस बेट की बात की जाए गाड़ी के, तो 1450 kg का जो है यहाँ पे आपको ग्रॉस बेट देखने को मिल जाएगा। और कुछ साइड प्रोफाइल, अगर रियर लुक और साइड प्रोफाइल की कंबाइंड लुक की बात की जाए, तो लुक कहीं ना कहीं आपको जो है गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। पर्सनली मैं बताऊँ गाड़ी का लुक जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिल पाएगा। बाकी लुक्स के मामले में अपनी अपनी जो है भाई अलग अलग चॉइस हो सकती है। ऊपर से अगर हम देखें तो सार्फिन एंटीना का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऊपर से जो है रूफ रेल आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से है। गाड़ी की लेंथ विथ हाइट काफ़ी अच्छी खासी है। देर ना करते हुए चलते हैं एक बार गाड़ी के इंटीरियर की ओर, कि गाड़ी का इंटीरियर जो है क्या कहने वाला है, किस तरह से आपको जो है गाड़ी का इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। तो भाई कुछ इस तरह से आपको जो है गाड़ी का इंटीरियर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल अगर डोर की बात की जाए तो डोर की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर आपको देख रखी है। यहाँ से आपको जो है थोड़ा सा सिल्वर क्रोम का वर्किंग किया गया है यहाँ पर लॉक अनलॉक के लिए, और यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो है आपको पोर्टल होल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात की जाए अगर यहाँ पे सीट की, तो बेस मॉडल में सीट आपको काफ़ी कुशनी, काफ़ी कंफर्ट देखने को मिल जाती है। कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और पर्सनली अगर जो डैशबोर्ड की बात की जाए तो भाई काफ़ी अच्छा खासा जो है आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, वहीं पर क्रोम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और जो है फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग जो है गाड़ी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए गाड़ी का डैशबोर्ड तो कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा, जो कि डैशबोर्ड में म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं मिला है, वो आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं बेस के साथ। लेकिन जो है वर्किंग की गई है काफ़ी अच्छी खासी जो है डैशबोर्ड के साथ वर्किंग की गई है, काफ़ी अच्छा खासा जो है डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और देखते हैं गाड़ी के लुक को, कि रियर कैबिन में आपको जो है कितना क्या स्पेस देखने को मिलेगा। तो भाई रियर का लुक भी काफ़ी अच्छा खासा है, रियर में जो स्पेस है काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। और रियर से जो है डैशबोर्ड की कुछ जो आपको ओवरव्यू है कुछ इस तरह से आपको जो है भाई देखने को मिलेगी, जो कि डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा खासा जो है आपको देखने को मिल पाएगा, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट भी पीछे से जो है फिक्स देखने को मिलेंगे। 5 लोगों के लिए जो है स्पेस काफ़ी अच्छा खासा जो है इस गाड़ी के साथ आपको देखने को मिल पाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी के कुछ साइड प्रोफाइल के लुक्स की, तो काफ़ी अच्छा खासा जो है गाड़ी का साइड प्रोफाइल का जो है लुक निकल के आता है, जैसे कि आप यहाँ से
देख सकते हैं। फिलहाल एक बार लेके चलते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की ओर, की गाड़ी का फ्रंट लुक जो है कैसा आपको जो है देखने को मिल पाता है। तो एक बार चलते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की ओर, चलते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की ओर की किस तरह से आपको जो है फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है। तो अपने सामने वही है फ्रॉन्स का बेस मॉडल सिग्मा, जो कि यहाँ पे आपको पीछे से डिफॉल्ट भी मिलता था, और कुछ इस तरह से आपको जो है गाड़ी का फ्रंट फेसिया देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ से आपको जो है कनेक्टिंग DRL के साथ टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा जो है लुक दे देता है। नेक्सा ग्रिल यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा खासा जो है अमेजिंग लुक देती है। फिलहाल सामने से आपको जो है क्रोम की वर्किंग देखने को मिलेगी मारुति सुजुकी नेक्सा लोगो के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी खासी है। फिलहाल अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा की जो है ये गाड़ी याद दिला देती है। तो लुक अगर बात की जाए ना फ्रंट की, तो काफ़ी अच्छा खासा जो है फ्रंट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल गाड़ी मुझे बहुत बढ़िया लगी, गाड़ी में कोई भी जो है कमी या कोई भी प्रॉब्लम मुझे जो है देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो गाड़ी में लुक है, जो गाड़ी में प्राइस है, काफ़ी अच्छी खासी जो है रहने वाली है। क्योंकि जितने प्राइस रेंज में ये बेस मॉडल आपको जो है देखने को मिल जा रहा है ना, काफ़ी जो है अमेजिंग रहने वाला है। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो है इंजन टाइप की अगर बात करें तो 1.2 लीटर और 1.0 लीटर यहाँ पे दो इंजन देखने को मिलेंगे, जो कि 1.2 लीटर नॉर्मली डुअल जेट BBT इंजन देखने को मिलेगा, वहीं पे 1.0 लीटर टर्बो बूस्टर इंजन जो है देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी अपने सामने 1.2 लीटर नॉर्मली एस्पेक्टेड इंजन जो खड़ा है, जिसकी अगर पावर की बात करें तो 89 PS की पावर 6000 RPM पे, और जो टॉर्क की अगर बात करें तो 113 Nm का जो है टॉर्क इस गाड़ी के साथ जो है आपको देखने को मिल पाएगा। भाई अगर माइलेज की बात की जाए तो एक अच्छा खासा जो है आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा जो है माइलेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर टर्निंग रेडियस की बात की जाए, 4.9 का यहाँ पे आपको जो है टर्निंग रेडियस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, कोई भी यहाँ पे आपको ऐसी मिसिंग चीज़ें नहीं मिलेंगी कि जो आपको जो है गाड़ी के साथ देखने को फिलहाल नहीं मिलती है। मेरे हिसाब से काफ़ी जो है यहाँ पे बेटर देखने को मिलेगा। फिलहाल जो मेन पार्ट है इस गाड़ी का वो है व्हील बेस, क्योंकि व्हील बेस अपने कंपैरिजन में सबसे कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि व्हील बेस यहाँ पे आपको 2520 mm का देखने को मिलेगा। कंपैरिजन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पे आपको व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। तो भाई कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ी का जो है फ्रंट लुक, और काफ़ी अच्छा खासा जो है गाड़ी का फ्रंट लुक आपको जो है देखने को मिल पाएगा। तो भाई यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।